फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट बीच में से ब्रेक हो गया था, वो सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, कवर करते हैं। ये फिजिक्स के एलपी टेक्नीशियन के अंदर पूछे गए 250 प्लस क्वेश्चंस है, ओनली फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के, केमिस्ट्री के और बायो के भी एक एक वीडियो में डाल दूंगा। इसका फर्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो जो सेकेंड पार्ट रह गया था उसका जो पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर किसके बराबर है? तो ये होता है 10^-9 मीटर के ऊपर। तो देखो मैं इसके अंदर स्पीडली कवर करूँगा और एज ए रिविजन के रूप में आप इसको लीजिएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको बताया, 1 से लेकर 26 तक जीएस के जो पार्ट है उसकी भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, उसके अंदर बहुत डिटेल से आपको समझाया। और ये वीडियोज़ में आपको बताऊँगा एज ए रिविजन फॉर्मेट के रूप में, इसलिए जल्दी जल्दी और स्पीडली बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर होती है अपनी, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर होगी अपनी dv/dt, ये कहलाती है एक्सीलरेशन, ऐसे लिखते हैं हम, ये एक्सीलरेशन है त्वरण। वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट में चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान देना, विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया, थीटा एक्स जो भी मानो, ये एक वेक्टर होता है, सदिश होता है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर सदिश हो गया, एक्सीलरेशन भी वेक्टर सदिश हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चाल और वेग, वेग सदिश है यानी वेक्टर है, चाल है, चाल दिशा आपकी स्केलर है, तो दोनों के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होने का। नेक्स्ट है टंगस्टन का गणनांक होता है, तो ये होता है 3500-3600 के अप्रोक्सीमेट होता है, राइट? तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल का कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा? तो देखो W बराबर एफ डी कोस ऑफ थीटा, सी देते हैं हम, W है आपका 20 बराबर एफ, एफ आपका एफ है, एफ का क्या ये रहा 20 इंटू डी डिस्प्लेसमेंट है 2 इंटू कोस थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया, 1/2 इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। नेक्स्ट है समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि उसके अंदर जो भी एनर्जी है, लाइक जड़त्व वाला रूल है, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहिए, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई फोर्स कार्य नहीं करता। तो इसमें देखिएगा, वो भागते हुए आ रहा है तो भागते हुए रहना चाहिएगा, क्योंकि वो जड़त्व का नियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि, बर्फ क्यों तैरती है? क्योंकि उसका घनत्व है, उसकी वजह से एज ए कम्पेयर टू पानी की पैसा कम होता है। एक एथलेट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, त्वरित वेग वो अधिकतम कहाँ होएगा? वो होएगा एक सर्कुलर पाथ के अंदर, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर होगा। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसको क्या कहते हैं? मतलब रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड, वो कहलाती है अपनी रिवर्बेशन। ध्यान देना क्या पूछा है, दोहराई प्रतिबिंब का परिमाण होती है, लाइक टकराई अलग अलग जगह टकराने के बाद में जो आती है वो होती है प्रतिध्वनि। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे हार्डेस्ट पूछा है, नेचुरल पूछा है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट क्या होगा वो भी नेचुरल, डायमंड, डायमंड अपना आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा बताओ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी मूव अंडर ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको वर्क निकालना है, एफ की वैल्यू आपको दे रखी है और डी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो W बराबर एफ डॉट डी कर दो डायरेक्ट, 1 × 1 हो जाएगा, 1 × 1 यानी 1 आपका आंसर आ जाएगा। वर्क की यूनिट होगी जूल। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? देखो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। ध्यान देना, नॉर्मल हॉर्स पावर पूछे आपसे तो आपको लगाना है 746 पे, अगर आपसे पूछे ब्रिटिश हॉर्स पावर पूछ लिया ब्रिटिश तो आपको लगाना है 735.5 पे, अगर आपको इंपीरियल हॉर्स पावर पूछ लिया इंपीरियल हॉर्स पावर तो आपको टिक मारना है वही 746 पे, अगर नॉर्मल पूछे या इंपीरियल पूछे तो 746 बताना है। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज मेंटेन इन ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम देन द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इन 1 मिनट विल बी। तो एनर्जी जो भी डिसिपेट होगी उसको हम देंगे I²R×T से, क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी एनर्जी जो भी है वाट पावर है उसको टाइम से गुणा कर दो, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो
आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, आई देख रहा है, इसलिए मैंने ये लिखा था। अगर वोल्टेज होता तो आप लिख देते वी स्क्वायर आर इन टू टी, अगर ओनली वी और आई होता तो आप लिख देते वी आई टी, ठीक है, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला बना लिया। तो ये हो गया आई स्क्वायर, आई स्क्वायर यानी 1.5 × 1.5 ओके, इंटू आर, आर की वैल्यू आपकी 10, इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक मिनट, एक मिनट को आप बदल दो सेकंड के अंदर, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो गया 100, 100 से एक जीरो, और ये भी जीरो है क्या, हाँ ये जीरो, 10 था ना, ये जीरो कैंसिल, 15 × 15 × 6, 15 का होता है 225 × 6, 225 × 6 यानी 6 × 2 = 1200, और 1200 के 25 × 150 यानी 1350 आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ थ्री रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इफेक्टिव रजिस्टेंस इन द सर्किट, अगर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट आप जोड़ दो R1, R2, R3 सीरीज में, तो उनको डायरेक्ट जोड़ दो, यानी 10 + 8 + 7 यानी 8 × 7 = 15 = 10 = 25 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना इफेक्टिव रजिस्टेंस पूछा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर लगा सकते हो जोड़ने के बजाय, कि रजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होती है, और बाकी देखो ये पास्कल प्रेशर की हो गई, ये ओम रजिस्टेंस का हो गया, या जूल वर्क का हो गया, न्यूटन हो गया फोर्स का, तो इससे भी देखो रजिस्टेंस पूछ रहे तो ये तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट आप ये भी तुक्का लगा सकते हैं, वो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। ऐसा ही यूनिट और मोमेंटम, मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या है, मोमेंटम बोले तो संवेग होता है, संवेग बोले तो पी बराबर है एम इंटू वी, एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी यानी वेग, मास की होती है केजी, इंटू वेलोसिटी की होगी मीटर प्रति सेकंड, ये आपका यूनिट हो गया, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड। इसे आपको डायमेंशन पूछा है, देखो किग्रा हो गया मास होता है, मास को लेते हैं m1, ये हो गया अपना m, m क्या है, मास नहीं है, ये है मीटर में, तो इसका लिखो l1, नीचे s, s का लिखो t1, तो m1 l1 t-1, ये आप इसके डायरेक्शन या वो डायमेंशन या विमा लिख सकते हो। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है, देखो ये तो है अपनी अर्थ और ये अपना कोई भी इमेजिनरी प्लेनेट है जो भी आपने एज्यूम किया है, पृथ्वी की द्रव्यमान और त्रिज्या, पृथ्वी का मास m मान लो तो इसका कितना हो जाएगा m/2, क्योंकि ये कह रहा है आधे के बराबर है, पृथ्वी की त्रिज्या r है तो इसका हो जाएगा r/2, पृथ्वी पर यदि ग्रेविटी g है तो इस पर ग्रेविटी कितनी होगी ये अपने को बताना है, तो देखो ग्रेविटी का फॉर्मूला लेते हैं हम m/r² से, तो इसमें क्या हो जाएगा m/2 r/2 होल स्क्वायर, ओके m/2 × r² / 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ m/r² और m/r² की अपना g, तो ट्वाइस g, तो इसकी जो ग्रेविटी हो जाएगी वो ट्वाइस इंटू जी हो जाएगी। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो आवेश के प्रवाह की रेट को अपन, आवेश के प्रवाह की रेट को अपन कहते हैं विद्युत धारा, यानी द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, I बराबर q/d, क्यों का होता है कुलाम, टी का होता है सेकंड, तो आप इसको लिख सकते हो कुलाम पर सेकंड भी बोल सकते हो, राइट कुलाम पर सेकंड, और इसकी दूसरी भाषा में बात करें आप एम्पियर भी इसको बोल सकते हो, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम्पियर, और इसकी छोटी यूनिट होती है मिली एम्पियर, लेकिन आपको स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर ही मानी जाती है, बाकी ये मत कर देना सब एक जैसे लग रहे हो। तो किसी संकुचित स्प्रिंग में लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में क्या होता है, ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेज मोर एनर्जी देन ए स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ बिकॉज कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज, आपके पास कोई स्प्रिंग है, अब देखो ये आपने इसको कंप्रेस्ड कर दी यानी दोनों तरफ से प्रेस करके संकुचित कर दिया, अब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पहले की अपेक्षा क्या रहेगी, पहले ये था निम्न में क्या होता है, अगर इसको कंप्रेस कर दिया तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी स्थितित ऊर्जा। किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उत्पन्न करंट कितना होगा, इफ़ टू कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, t = 1 सेकंड, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, I बराबर होता है q/t, क्यों हो गया अपना 2/1, ये हो गया 2 एम्पियर, एम्पियर बोलते हो या कूलम पर सेकंड बोलते हो तो आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर है, ओके। नेक्स्ट, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ये 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकी टू ए हाइट ऑफ 80 मीटर, ये हाइट जाती है इसकी 80 मीटर एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और वापस रिटर्न होकर आ जाती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकंड और मोशन विल भी, तो 7 सेकंड के बाद आपको इसका विस्थापन बताना है, यानी 7 सेकंड में इसके द्वारा तय की दूरी बतानी है आपको। देखो सबसे पहले आपको यहाँ से फेंका जाता है ऊपर की तरफ,
एच है 80 मीटर पे पहुंचती है। तो इसका सबसे पहले अपने को निकालना है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। क्यों 7 सेकंड में अपने को दूरी निकालनी है। क्वेश्चन ये कहा है 7 सेकंड के बाद इसका विस्थापन बताओ, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे है यू, आपको यू का पता नहीं है, यू क्या है नहीं पता ना। अब यू का हम निकालेंगे, हम वी बराबर यू प्लस 80 से निकालेंगे। देखो वी क्या है, जब ये फाइनल पे पहुँचेगी यानी 80 मीटर पहुँचेगी तो इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, फाइनल वेग कितना हो जाएगा, जीरो। यू अपने को पता नहीं, तो देखो फाइनल वेग कर दिया मैंने जीरो बराबर यू, यू कितना था, किस वेग से फेंका पता नहीं, माइनस ए, ए यानी ऊपर की तरफ फेंका यानी ग्रेविटी होगी, जी हो गया 10 राइट, इंटू टी, टी टी कितने लेंगे, टी अपने को ये क्या हो जाएगा, वी बराबर यू प्लस 80 नहीं आएगा यहाँ से अपने को, तो इसमें तो अपने पास टी है नहीं, तो ये फॉर्मूला फेल हो गया अपना। दूसरा फॉर्मूला लगाओ आप, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस वाला लगाओ, फाइनल वेग हो गया जीरो, यू स्क्वायर अपने को पता नहीं, प्लस प्लस की तरफ माइनस कर दूँ ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, 2 इंटू ए, एसिलरेशन कितना है, एसिलरेशन भी पता नहीं, देर का है क्या अपने को, नहीं हाँ देर का नहीं है, जी वाला ये हो गया 10 ओके। एस एस फाइनल कितना पहुँचता है वो 80 मीटर, यहाँ से अपने को यू की वैल्यू आ जाएगी, यू स्क्वायर बराबर हो गया 2 × 10 × 80 ओके। तो देखो ये हो गया 8×2 = 1600 हो गया, यू स्क्वायर यू की वैल्यू आ जाएगी 40 वर्गमूल लोगे तो। अब देखो इसमें वैल्यू रख दो, यू की वैल्यू 40, यू की वैल्यू तो मैंने रख दी 40 इंटू 7 सेकंड में पूछा आपको, 7 प्लस 1/2 ए, ए कितना है ऊपर की तरफ फेंका इसने, तो मैं माइनस कर दूँ, माइनस का 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 7 सेकंड यानी 49 कर दो, ये हो गया 5। तो देखो 7×28 280 माइनस ये हो जाएगा 9×5 45 असल 4, 5×20 4 24, 280 माइनस 45 कितना हो गया, 45 90 यानी 35 बचेगा, 35 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे कम भार वाला उपग्रह कलाम सेट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया का रूपांकन किसने किया है, वो डिजाइन द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट कलाम सेट विच नासा लॉन्च एंड सेट एन न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो लॉन्च किया किसने, रियाज, किसने डिजाइन किया रूपांकन किसने किया, वो किया रियाज सुरुक। ए फोर्स ऑफ 350 न्यूटन एफ की वैल्यू दे रखी है आपको, एंड ए मास दे दिया आपको 500 kg, सो द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, सिंपल है एफ बराबर एम में लगाओ, ए क्या हो जाएगा एफ बाई एम हो जाएगा, एफ है आपका 350 अपॉन एम कितना है आपका 500, एफ हो गया 350 एम हो गया 500 ठीक है, ये हो गया 0.7। द वर्क डन बाई द फोर्स इज पॉजिटिव, मतलब जो कार्य के द्वारा किया गया बल के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव कब होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, यानी एफ भी इसी डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो किया गया कार्य आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होएगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट और कार्य या फोर्स है दोनों एक डायरेक्शन में हो। ए कंडक्टर हैविंग सम अप्रेसिबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, देखो तीन प्रकार के ये होते हैं मटेरियल वाले, अपन कहे तो कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, चालक अर्चालक कुचालक, अर्चालक की कैटेगरी में आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, कंडक्टर हो गए अपने लाइक सिल्वर हो गए कॉपर हो गए गोल्ड हो गए, ये सब कंडक्टर की कैटेगरी के अंदर है। क्वेश्चन पूछा कि सब जिसका सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है उसको कहते हैं इंसुलेटर कुचालक, तो देखो इंसुलेटर अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक पूछा है, ध्यान देना अतिरोध प्रतिरोध वाले चालक पूछा आपसे, यानी चालक होगा उसका कुछ प्रतिरोध है तो उसको हम क्या कहेंगे, एज ए रजिस्टर कहेंगे, उसके अंदर करंट फ्लो होगी। इंसुलेटर तो वो होता ही कुचालक है, इंसुलेटर तो हम तब कहते हैं यहाँ पे कुचालक होता राइट, इसने पूछा ही चालक का नाम है जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो तो उसको कहेंगे प्रतिरोध रजिस्टर या रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, सेम क्वेश्चन कुल मिला के पूछे तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो है वही, पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है कोई भी नाव वगैरह है वो, इसके अंदर पानी के द्वारा जो ऊपर की तरफ इस पर जो फोर्स लगता है तैरने के लिए वो कौन सा होता है, यानी डूबने से बचाने के लिए इसके जो आयतन पानी के आयतन के बराबर जो ये फोर्स लगता है उसको कहते हैं उत्प्लावक बल, इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, ये यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड, देखो पावर क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की दर, तो देखो ये वाट किसका हो गया ऑब्वियसली पावर का हो गया, न्यूटन हो गया फोर्स का, जूल किसका हो गया कार्य का, पास्कल हो गया प्रेशर का, किसका पूछे पावर का अपना आंसर वाट, शक्ति की इकाई पास्कल तो प्रेशर की होती है।
मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट, देखो अपने ब्रेन के अंदर क्या होता है, कोई भी साउंड आ रही है तो वो क्या होगी, तो बिल्कुल करेक्ट सुनने के लिए क्या होता है, कुछ इंटरवल होता है उसके अंदर, गैप होता है अपने माइंड के अंदर, वो साउंड कुछ क्षण के लिए रुकती है ताकि अपन अच्छे से क्लियर कर सके, दो साउंड बीच में मिक्स नहीं हो, इसलिए गैप होना जरूरी है, ठीक है। और ये गैप पूछा कि वो कितना होता है, तो वो होता है मामूली से 0.1 सेकेंड का गैप होता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द हीटिंग इफेक्ट इन द कंडक्टर विल बी, देखो आई स्क्वायर आर टी से दे दो हीटिंग इफेक्ट, या वी स्क्वायर बाई आर टी से दे दो, या हीटिंग इफेक्ट आप दे दो वी आई टी से दे दो, आपको जो अच्छा लगे उससे दे दो। अगर चालक का प्रतिरोध अदा कर दिया, यानी प्रतिरोध आपने अदा कर दिया, तो इसका उसमें प्रभाव क्या होगा, वो भी ऑब्वियसली अदा हो जाएगा। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है, वर्क डन बाई ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। तो देखो कोई व्यक्ति है ऊपर की तरफ अपने सिर पे वजन रख रखा है और एक जगह खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वो एक ही जगह खड़ा है तो यानी जीरो। जब 21 न्यूटन के बल एफ बराबर 21 न्यूटन 3 kg द्रव्यमान एम इक्वल टू 3 kg वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण बताना है, तो ए की वैल्यू जाती है ए बाई एम, क्योंकि ए बराबर होता है एम ए, ए बाई एम यानी 21/3 यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज एनर्जी, एनर्जी और किसकी इकाई है, दोनों की सेम होती है। देखो फोर्स की बात करें, इस फोर्स की इकाई न्यूटन, डेंसिटी की होती है घनत्व, द्रव्यमान अपॉन आयतन किग्रा पर मीटर क्यूब, शक्ति, शक्ति की हम क्या कह सकते हैं जूल, वाट बोलते हैं, और कार्य की बोलते हैं जूल, तो एनर्जी की, एनर्जी की जूल, तो किसके इक्वल होगी एनर्जी और वर्क की। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट डज द सिंबल आर इन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंड फॉर? रिफ्रैक्शन, रेजोनेंस, प्रतिरोध और रिफ्रैक्शन। तो आर का किसके लिए हम यूज करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए। रेजोनेंस क्या होता है? जिसके ऊपर रिएक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर यानी कॉइल इक्वल टू रिएक्टिव कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर का बराबर हो, तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम रेजोनेंस, और उसके अंदर जो टोटल इंपीडेंस होता है वो इक्वल होता है रेजिस्टेंस के। एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद यानी यू बराबर 0 से शुरू हुआ, शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से लेके ये जो 20 सेकेंड का ड्यूरेशन है इसके अंदर वो कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से चलता है। डिस्टेंस एक्स वन इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड है, इसके अंदर वो एक्स वन चलता है, नेक्स्ट 10 सेकेंड है उसमें वो एक्स टू चलता है, रिमेनिंग 10 सेकेंड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा रिलेशन सही है? देखो यहाँ पे यू बराबर 0 है, यहाँ पे वी कितना होगा मेरे को पता नहीं, इसको वी1 मान लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने वेग निकालना पड़ेगा, तो वेग कैसे निकालेंगे हम, वी बराबर यू प्लस 80 से निकाल लेते हैं। यू है मेरा 0, तो वी बराबर यू तो हो गया 0 प्लस ए इंटू टी, टी हो गया 10, तो वी क्या हो गया 10 ए, यानी यहाँ पे जो वेग आएगा वो कितना हो गया 10 ए, राइट। अब देखो यहाँ पे एस बराबर हम फॉर्मूला लगाए थे यू टी प्लस 1/2 80² का, एस कितना आपका, एस एक्स वन बराबर यू, यू कितना है आपका इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है यानी 0 प्लस 1/2 ए कॉन्स्टेंट है इंटू टी स्क्वायर, टी कितना होगा 10 का स्क्वायर, 10 × 100 100 का आधा 50 ए, तो एक्स वन की वैल्यू आ गई आपके पास 50 ए, ओके। यहाँ से देखते हैं एस बराबर पीछे लगाता हूँ ये फॉर्मूला, तो एस की जगह एक्स टू बराबर यू टी, यू क्या बन गया अब, ये है यू बन गया, यानी यू की जगह रख दिया मैंने 10 ए इंटू टी, टी की जगह हो गया 10 सेकेंड प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर, टी यानी 10 का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 10 10 100 ए प्लस ये हो गया 100 का आधा 50 ए, यानी एक्स टू की वैल्यू आ गई 150 ए। अब देखो एक्स वन 50 ए, एक्स टू 150 है, यानी एक्स टू क्या है, एक्स वन का 3 गुना हो गया, यहाँ 150 है यहाँ 50 है, तो एक्स टू क्या हो गया, एक्स वन का 3 गुना, एक्स टू हो गया एक्स वन का 3 गुना। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, बदलने का प्रयास करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंजेज आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन? तो देखो
स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, बदलने का प्रयास करती है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी अपनी फोर्स। किसी पिंड के ऊपर आप क्या लगाओगे जिससे उसकी अवस्था चेंज हो जाए? नेक्स्ट है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। ए चार्ज ऑफ 2 कूलम पासिस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन ए सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 5 वोल्ट। जो वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, अब देखो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वर्क इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी, तो 5 × 2 यानी 10 आपका आंसर हो जाएगा। 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। 3 प्रतिरोध है, 2 गलत हो गया, ये 2 बता रहा है, ये 3 बता रहा है, तो इसको गलत करेंगे, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये 20 का है, ये 20 का है, ओके। दिस कॉम्बिनेशन इन टर्न इज कनेक्टेड टू ए 10 ओम। इसको बाद में एक 10 ओम को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी लिखना चाहिए, तो हम सीरीज ही मानेंगे, क्योंकि पैरेलल होता तो पहले ही कह देता 3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो 20 20 का हो जाएगा 10, और 10 ये 10 10 20 अपना आंसर हो जाएगा। ये नहीं होएगा क्योंकि इसमें मिस्टेक है, या तो 3 3 3 सीरीज में या कुछ और क्वेश्चन में मिस्टेक है। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान पर क्या होता है? तो देखो व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन को स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पे आप कितना मानोगे? तो आप मानोगे इसका, देखो सबसे पहले ये इस इंडेक्स से समझिएगा आप। अगर आप वाटर बॉयल होता है, सबसे पहले रूम टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड में आप बात करोगे तो 20 होता है, राइट 20 होता है, उसको रूम टेम्परेचर मानते हो। और वैसे नॉर्मली जो 20 से 27 की कैटेगरी होती है उसको आप रूम टेम्परेचर की कैटेगरी के अंदर लेते हो। अब सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड हो गया ये आपके पास, केल्विन ने पूछा है, तो इसको आप 273 में ऐड कर दो, तो 3 9 293 आपका 273 आपका आंसर होगा। इसके अंदर क्या आ रहा है, मिस्टेक है कुछ, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम इसी को मानते हैं, 20 से 27 के लगभग। अगर सेल्स फारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस में जाना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ में लो, और फारेनहाइट में जाना है तो मतलब आपस में इंटरचेंज करना हो तो सी और एफ को, तो इस तरीके लो, और के में जाना हो तो सी के अंदर आप 273 ऐड कर दो। ध्यान देना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहेंगे, माइनस के 273 को, ध्यान देना माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड या कहे तो 0 केल्विन, ठीक है। और रूम टेम्परेचर कहोगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड को, बॉडी टेम्परेचर कहोगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड को, वाटर बॉयल कहाँ पे होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, वाटर जमेगा कहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ड्राई आइस कहाँ मिलेगी -78 पे, एयर फ्रीजेज कहाँ होगा -195। तो ये देख लेना, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, देखो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो फिर भी आपका कार्य 0 है, इसका मतलब ये वस्तु यहीं की यहीं है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका विस्थापन कितना है 0 है। तभी तो एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है, प्रतिध्वनि वापस आ जाती है, यहाँ से गई और वापस आ गई, टाइम लिया उसने 3 सेकंड। यदि ध्वनि की गति इतनी है, वेलोसिटी आपको दे दी 342 मीटर प्रति सेकंड, शोर से परावर्तन की दूरी बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। देखो अक्स ये दूरी होगी, अक्स वापस आते दूरी, क्योंकि ये जाके वापस आई है ना, तो दूरी आप यहाँ ले लो 2x ले लो, बाद में आधी कर देना, तो दूरी आपकी यहाँ पे 2x, राइट। अब देखो d बराबर होता है अपना ST, दूरी कितनी होगी, अक्स जाने वाली अक्स आने वाली 2x, इक्वल टू s वेलोसिटी, s यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी है 342 × t, टी कितना आपका 3, 2 का यहाँ भाग दे दूँ मैं, 342 में 2 का भाग दे दूंगा, तो 2 का भाग दे दिया मैंने 1 14 14 का हो गया 6 7 9 14 1 × 3, तो 3 7 21 असल 2 3 2 5 513 मेरा आंसर आ जाएगा, 513 मेरा आंसर है। 5 kg भार की एक वस्तु, 5 kg ऑब्जेक्ट, मास आपको दे रखा है 5 kg, 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, एच दे रखा है 4 मीटर, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताना आपको। तो देखो द वर्क, अरे यहाँ पे भी मिस्टेक है क्या, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का मान पूछा है, और ये कह रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन पूछा है, तो आप वर्क डन डायरेक्ट एम जी एस से दे दो, पोटेंशियल एनर्जी वाला, इसमें देखो एम है आपका 5, जी है आपका 10, एच है आपका 4, तो देखो आंसर हो जाएगा 5 × 20 × 200 जूल, ऊपर की तरफ है तो ये जी माइनस आएगा, तो ये आंसर आपका माइनस में हो जाएगा। मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं, ये तो अपनी अर्थ है, ये अपना अज्यूम प्लेनेट है जो भी है, कुछ भी है,
अक्स मान लो, इसका मास एम है, इसकी रेडियस आर है, इसकी ग्रेविटी है एम बाई आर स्क्वायर, जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं, यानी इसका जो मास है वो है दुगना और इसकी जो त्रिज्या है वो भी दुगनी है, टू आर कर दो। तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से एन गुना है, और यहाँ पे जो त्वरण है वो है एन जी, यहाँ पर जी है, यहाँ हो गया एन गुना। तो देखो यहाँ पे जी की वैल्यू निकालते हैं, जी हो गया एम, एम की जगह टू एम बाई आर स्क्वायर, आर की जगह टू आर यानी चार आर स्क्वायर, तो ये हो गया एक बटा दो एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू क्या होगी, एक बटा दो। सोर्स रेजिस्टेंस प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है, इसके कोई सोर्स लगा हुआ है और इसके अंदर करंट आई जा रही है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर वी है, इसके सिरों पर विभवांतर वी है, तो समय टी में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाती है। आपको वी दे रखा है, आई दे रखा है, तो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर वो देंगे हम वी आई टी से, वी आई टी से, वी और आई दे रखा है तो अपने को कुछ करना ही क्या है। लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। इकोज मे बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल, जो अपने को कई बार सुनाई देता है वो किसकी वजह से सुनाई देती है, वो होता है परावर्तन की वजह से। एक वस्तु स्थिर वस्तु से स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, यानी यू बराबर जीरो से आरंभ होकर चार मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। एक्सीलरेशन की वैल्यू है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी है, वेग बताना है पड़ेगा, और वो भी 8 सेकंड के बाद। अब देखो वी बराबर यू प्लस एटी का फॉर्मूला लगा दो, वी बताना है अपने को, यू जीरो है, ए आपको 4 दे रखा है, इंटू टी, टी कितना है आपके पास 8 सेकंड, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। यदि वी बाई आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है, इफ़ वी बाई आई इज ए कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड, तो ये होता है अपना रेजिस्टेंस बाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, और वी बाई आई हो गया आर, और ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट बता रहा है अगला, तो ये हो गया आर। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थित ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित होती है, दबाई हुई स्प्रिंग को आप वापस से छोड़ रहे हो तो ये बढ़ती है, यानी किसके अंदर मूव करेगी, ये पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज इनटू काइनेटिक। तार की लंबाई दुगुनी करने पर इमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है, व्हाट हैपेंस टू द इमीटर रीडिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अब देखो लेंथ को आप डबल कर रहे हो, आर होता है अपना रो एल अपॉन ए, लेंथ को डबल किया तो इसका रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो जाएगा। तो एमीटर रीडिंग मतलब करंट क्या हो जाएगी, करंट आधी हो जाएगी, रेजिस्टेंस डबल हो गया, करंट आधी होगी। किसकी कोई इकाई नहीं है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मीटर होती है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर बोल सकते हो। प्रेशर है इसकी दाब पास्कल होती है, और डेंसिटी होता है इसका होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, इसके होते हैं किग्रा पर मीटर क्यूब। सापेक्ष डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व इसकी जीरो होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होती है, क्यों, ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो दोनों सेम क्वांटिटी, दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। शक्ति का सूत्र है द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, तो ये पावर का पूछा अपने का, तो ये हो गया वर्क अपॉन टाइम। यदि 10 केजी मास की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना है, तो त्वरण हो जाएगा ए बराबर ए बाई एम सी एल करो, तो एफ है आपका 20, एम है 10, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई डैम बना हुआ है, यहाँ से ये टैंक ये पाइप चल रही है, पाइप के बाद में आपको यहाँ पे एक टर्बाइन मिलेगा, टर्बाइन के आगे क्या जुड़ा हुआ मिलेगा आपका अल्टरनेटर मिलेगा, अल्टरनेटर से सप्लाई। अब इसमें आप क्या आंसर दोगे, कहाँ से पूछा गया है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो लास्ट में अपनी विद्युत ऊर्जा चेंज होती है, और विद्युत ऊर्जा किस कौन विद्युत ऊर्जा किस में बदली, तो ये जो टर्बाइन थी, टर्बाइन के अंदर कौन सी एनर्जी थी, ये मैकेनिकल, मतलब ये जो टर्बाइन नहीं तो अल्टरनेटर को घुमा रहा है ना, और अल्टरनेटर से बन रहा है, यानी जो मैकेनिकल थी यहाँ पे पूछा गया है, तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए मैकेनिकल वाला, इसने पूछा गया काइनेटिक दिया है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो क्वेश्चन ऊपर अपना होता है डैम, डैम के बाद में लगता है ये पाइप पेनिस्टॉक बोल दो जो भी, इसके बाद में अपना हो गया टर्बाइन, टर्बाइन पर लगी हुई थी ब्लेड, टर्बाइन के बाद में जुड़ा होता है अपना अल्टरनेटर, और ये क्वेश्चन पूछा है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, यानी अल्टरनेटर है, यहाँ पे अपने को मिलेगी विद्युत ऊर्जा, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी मिलेगी,
यानी टर्बाइन घुमा रहे, तो टर्बाइन किसको घुमाएगा, किस एनर्जी को बदलेगा ये टर्बाइन, यानी मैकेनिकल, आई थिंक इसका आंसर मैकेनिकल होना चाहिए, या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो ये एनर्जी होगी इनिशियली, यहाँ से जो फ्लो होता आ रहा है वाटर, यानी उसके अंदर जो होगी काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो और यहाँ पे बीच में ये घुमा के ये मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो इसने ये आंसर माना ही यहाँ से। स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। द एनर्जी पोजिट बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजिशन और शेप। देखो कोई वस्तु होते हैं उसकी पोजिशन के अंदर कुछ चेंज होता है और उसके कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी कहलाती है, पोजिशन के कारण, वो है स्थिति ऊर्जा। एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, उसमें एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है और लहर की गति इतनी है, नाव तक उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा आवश्यक समय है। देखो इसमें कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको तीन टर्म्स दी हुई मिलेगी, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कभी है नाव लंगर वगैरह, तो इसमें आपको एक तो लेमडा की वैल्यू दे रखी होगी, लेमडा इक्वल टू 80 मीटर होगा, दूसरी बात इसमें आपको वेलोसिटी दी मिलेगी, वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसमें एक चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको तीन ही चीज़ लेनी है, ठीक है, तो तीनों में से दो दी हुई रहेगी, तीसरी पूछेगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लेमडा इंटू एफ। अब देखो वेलोसिटी हो गया आपका 20 इक्वल टू लेमडा, लेमडा हो गया आपका 80 इंटू एफ, एफ है ये, तो एफ की वैल्यू होगी 20 अपॉन 80 यानी 1/4 इक्वल टू 0.25 एफ है। लेकिन क्वेश्चन पूछा आपको समय, समय होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा, समय होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो ये होगा 1/0.25, ये हो जाएगा 25 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, एसिडिक एसिड घोल, ग्लूकोज घोल, एनिओज घोल, HCl घोल, तो ग्लूकोज घोल है वो बिजली का चालक नहीं है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान दे रखे 15 kg, वेलोसिटी दे दी आपको 4, समान वेग से गति कर रही है, गति ऊर्जा बताओ, काइनेटिक एनर्जी आपको इसके अंदर बतानी है, तो 1/2 mv² का फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा Vn 416, 16 × 15 गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 16 का आधा 8 कर दो मैं इसकी वजह से, 8 × 15 = 8 = 120। निम्न में से बिजली के कुछ अलग हैं, माइका क्वार्ट्ज बिल्कुल होते हैं, धातु और रबड़, धातु नहीं होता, धातु क्या होता है, देखो कंडक्टर पूछा है तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स कंडक्टर होती है, और ये कह रहा है कि बेड कंडक्टर नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी पहला अपना आंसर आएगा इसके अंदर ओनली ए। 12 °C पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 °C। देखो 0 से लेके 100 तक है, 0 °C और 100 °C के ऊपर जो वाटर होता है वो हमेशा आपका लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगा, यहाँ पे आके बाद में इसका सॉलिड स्टेट बन जाएगी और इसके बाद में इधर गैस स्टेट चालू हो जाएगी, तो 0 से 100 के बीच में यानी 12 पे होगा लिक्विड। सेम क्वेश्चन वैसे यार है, इसमें वही बताया था मैंने वी बराबर एफ इंटू लेमडा लेके चलना है आपको, और इसमें आपको लेमडा दे दिया और यहाँ पे क्या पूछा है वी दे दिया और यहाँ पे ऐप पूछा है आपको, ऐप बताना है, तो इसमें आपको फॉर्मूले में रखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो वी की जगह रखो आप, वी की जगह 25 इक्वल टू ऐप, ऐप आपसे पूछा इंटू लेमड़ा, लेमड़ा की जगह 100, तो ऐप की वैल्यू आ गई 25/100 यानी 1/4 यानी 0.25। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी d θ/dt अपन क्या कहेंगे, यह होता है वी, ठीक है, और dv/dt क्या होता है ए त्वरण, और सब ये सदिश राशि है वेक्टर। यहाँ पे क्या आएगा बताना है, बिजली गैल्वेनोमीटर से, प्रेशर किससे मेजर करेंगे, ऑब्वियसली बैरोमीटर से। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को क्या कहेंगे, पीई प्लस केई इक्वल टू क्या होता है एमई, ये ध्यान में रखना, मैकेनिकल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, 1 से 26 तक की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है उसके अंदर। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक सोर्स नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, तो बायोमास एनर्जी सोर्स का नहीं है, एटॉमिक एनर्जी नहीं है, ये बायोमास का नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके अंदर अपने को ईंधन चाहिए, वो भी न्यूक्लियर यूरेनियम जैसे। 5 kg और 10 kg द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, तो कौन सी गेंद की गतिज ऊर्जा गति कर रही है, देखो 1/2 mv² से देते हैं, 1/2 mv² से देते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर है इसमें देखो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी ओब्वियसली। इसमें देखो आप यहाँ से भी सॉल्व करके देख सकते हो, एक 5 kg है, एक 10 kg है, तो कौन सी तेज़ी से गति करेगी, जिसका ओब्वियसली मास कम है यानी 5 वाला ज़्यादा गति करेगा।
मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 N का बल लगाया जाता है कौन सा कथन लागू है? देखो आपको एम दे रखा है 10 kg और एफ दे रखा है 10 N, ये बताना है आपको, तो ए की वैल्यू होगी एफ बाई एम, तो 10/10 यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू, तो पी किसके अंदर बदल गई आपकी, के ई के अंदर। ये सेम क्यों सुना क्या, वही फॉर्मूला लगा लेना आपको, वी बराबर एफ इंटू लेमडा, कोई तीन में से कोई दो चीज़ दी हुई होगी आपको, देख लीजिएगा यहाँ पे आपको लेमडा दे दिया और यहाँ पे वी दे दिया और यहाँ से एफ पूछा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। निकाल के देखिएगा आप इसका, सिंपल है, ऐप की ऐप के लिए क्या करोगे, वी बाई लेमडा कर दो, वी बाई लेमडा वी आपका 25 और लेमडा 125, 125 1/5 यानी 0.20। किसी समांतर परिपथ में किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण, एक पैरेलल सर्किट है इसमें कई सर्किट लगे हुए हैं आपके पास, पैरेलल की बात हो रही है, नहीं पैरेलल की बात हो रही है, पैरेलल में यदि कोई एक खराब हो गया, ये खराब हो गया तो बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करते रहेंगे। नेक्स्ट है, एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई उसका प्रारंभिक वेग दे दिया आपको, यूं दे रखा है आपको, ठीक है, उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में समय बताओ, उच्चतम बिंदु पर पहुँचने में, उच्चतम बिंदु पर पहुँचेगी यानी उसका वेग 0 हो जाएगा, समय बताना आपको, तो v बराबर u प्लस at से ले लो आप, v कितना है, v आपका 0 हो जाएगा उच्चतम पे, u कितना दे रहेगा आपको 14 माइनस a, एक चीज़ का आप लिख लो 9.8 इंटू टी, तो t की वैल्यू हो जाएगी 14/9.8, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। एक लड़का 4 मिनट में समय दे रहेगा 4 मिनट, f दे दिया आपके पास 600 न्यूटन, दूरी दे दी आपको 20 मीटर, खपत की गई शक्ति बताना, पावर बतानी, पावर इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू क्या हो जाएगा एफ डॉट डी बाई टी, एफ डॉट डी यानी 600 × 20, 600 × 20 अपॉन में टी है 4 मिनट, मिनट को बनाया ना सेकंड में, इंटू 60, तो देखो 60 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, 4 का इसमें 5 × 10 50। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, ऑब्वियसली के ई प्लस पी। किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, मास होता है वो कहीं भी ले जाओ इसको, चाहे चंद्रमा पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मास है वो उसका वही रहने वाला है, वेट चेंज हो जाएगा। वेट में फर्क समझिएगा आप, वेट चेंज हो जाएगा लेकिन मास वही रहेगा, मास की यूनिट होती है केजी, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, यह सदिश है यह अदिश है। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली मतलब स्टेट चेंज करनी है अपने को, स्टेट का मतलब जानते हो ना, जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप एक दूसरे से स्टेट बदलती रहेगी। दो कण हैं कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच बल लग रहा है, दूरी में कमी कर दी, देखो ए बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में डी स्क्वायर, तो यहाँ से एप और इसका रिलेशन क्या हो गया, एप हो गया 1/d². डी कह रहा है कि 1/5 कम कर दी, डी को 1/5 कम करोगे तो क्या हो जाएगा 1/1/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा नेक्स्ट वो हो जाएगा 25 गुना। मनुष्य के लिए सर्वे ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है, तो वो होती है 16 से 20 के, यहाँ से आप देख लीजिएगा बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m1 kg द्रव्यमान आपको मास दे रखा है, पता नहीं कितना है, उस पर फोर्स लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन लग रहा है 10 m/s², तरुण से आगे बढ़ता है, तो यहाँ से मैं एफ बराबर एम ए लगाऊंगा और m की वैल्यू आ जाएगी एफ बाई ए से, m की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/10 यानी 0.1/2 यानी 0.5 हो गया। ओके नेक्स्ट m2 ये हो गया, m2 निकलेंगे सेम f बराबर एम ए से, यहाँ पे a चेंज हो चुका है तो m हो गया f बाई a, समान त्वरण लगा रहा है, नहीं समान बल, समान बल, फोर्स सेम है तो फोर्स कितने है, फोर्स है 5/5/20, 1/4 हो जाएगा, 1/4 का मतलब 0.25, राइट हमने निकाल लिया, 0.5 निकाला, 0.25 निकाला, यहाँ लिख लेता हूँ मिटा के,
M1 की वैल्यू आ गई 0.5 और M2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, M2 कहाँ गया, M2 की वैल्यू आ गई 0.25। अब ये कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया, M1 प्लस M2 यानी 0.5 प्लस 0.25 ये हो गया 0.75 राइट। तो उन पर समान बल लगाया जाता है। अब देखो M हो गया ये, समान बल लगाया जाता है, F वही है आपके पास 5 न्यूटन, त्वरण बताना आपको कितना होगा। तो F बराबर M से ले लो, F 5 बटे 0.75 इंटू 100, 25 का गया 3, 25 का गया 4, 5 को 20 बटे 3 यानी आपका आंसर हो जाएगा। एक लड़का 120 न्यूटन बार है, एफ दे दिया 120 न्यूटन, हाइट दे दी आपको, डी दे दिया 2 मीटर, कार्य पूछा, वर्क पूछा है आपसे, तो वर्क हो गया एफ डॉट डी 120 इंटू 2 यानी 240 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे विषम बताना है। देखो सबके अलावा देखो कि ये इंसुलेटर है, कुछ अलग है ग्लास, ये आपका आंसर हो जाएगा। खींचे हुए धनुष के अंदर स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक के अंदर। नेक्स्ट है बैटरी टर्मिनलों से वैसे संबंधित है जैसे चुंबक, बैटरी होती है अपनी उसके अंदर प्लस माइनस होता है यानी इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनल्स, उसी पर हम मैग्नेट होता है उसके अंदर क्या होता है एन और एस होता है यानी पोल्स होते हैं। मैच करना है अपने को, वर्क होता है, देखो देखो वर्क क्या करेगा, कार्य किसको बदलेगा, देखो कार्य की यूनिट जूल राइट। माइक्रोफोन क्या करेगा अपना साउंड को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, ये हो जाएगा राइट। तो ये दो मिला लो आपका आंसर हो जाएगा, पहले के अंदर डी, पहले के अंदर डी आ रहा है ये कैंसिल हो गया, और चौथे के अंदर आ रहा है बी, चौथे के अंदर आ रहा है बी, तो ये भी कैंसिल हो गया राइट। इनमें से देखो बैटरी क्या करेगी केमिकल को इसमें बदलेगी यानी ए, तीसरे में ए आ गया, ये अपना कैंसिल, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है बैटरी केमिकल को, बैटरी सही तो चल रही है, ऐसे क्या हुआ, देखो वर्क है जूल हो गया, बैटरी क्या करेगी केमिकल में बदल रही है राइट, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, पावर हो गया KW माइक्रोफोन, ये सही है। नेक्स्ट देखो वही है आपके पास, आपको ये दे रखे फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, एफ दे रखे 3.5 किलो हर्ट्ज, लेमडा दे दिया आपको 0.1 मीटर, डी दे दिया आपको 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो समय लगेगा, टाइम पूछा आपको, टाइम होता है डी बाई एस, डी तो आपको पता है, डी यानी दूरी तो आपको पता है, दूरी तो 700 मीटर हो गई, लेकिन वेलोसिटी कहाँ से निकालोगे, स्पीड वेलोसिटी, तो अपना वो फॉर्मूला लगाओ वी बराबर लेमडा इंटू एफ वाला, यहाँ से लेमडा कितनी देर की है वो 3.5 के, 3.5 इंटू के, के किस कर लिख दूँ मैं 1000 राइट, एफ एफ कितना है 0. सॉरी ये गलत हो गया, देखो F मैंने पहले लिख दिया, ये है F और लेमडा कितना है 0.1, इसको सॉल्व कर लो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 0, इसका हो गया 0, 2 0 कैंसिल राइट, तो 350 वेलोसिटी आ गई 350 मीटर प्रति सेकंड, और आपको ये आ गई दूरी 700, 350 का भाग दिया 2 अपना आंसर हो जाएगा, समय 2 सेकंड। देखो अपने को किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत मात्रा 1 किलोवाट है, तो इसे जूल में दर्शाइए। तो आपको 1 KW दे रखा है, इसको जूल के अंदर बताना है। तो देखो 1K यानी 1000 वाट इंटू आवर की जगह 3600, तो यह जगह 3.6 × 10^6। एक परिवार में 1 महीने में 320 इकाई ऊर्जा उपभोग होती है यानी जो टोटल खपत है वो है 320 यूनिट, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, तो जूल में बदल दो आप इसको यानी गुणा कर दो आप KWH है, तो 320 इंटू वो कर दो 3.6 × 10^6 से मल्टीप्लाइड आंसर आ जाएगा इसका। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑब्वियसली एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 10 वाट 100 वाट, देखो आपको दे रखे 100 वाट दे रखे इंटू 5 आवर्स पर डे चल रहे हैं, तो कितने दिन चले, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय द लैम्प इन थ्री डे राइट। ये तो मैंने वाट लिख दिया, ये आवर लिख दिया, ये डे लिख दिया, KWH में आंसर निकालना है मेरे को यूनिट में, तो 1000 का भाग दे दूंगा, क्यों वाट को किलोवाट में बदलने के लिए, ये मेरा कैंसिल हो गया 5 15 15 बटे 10 यानी 1.5 अपना आंसर हो जाएगा। पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन
वेन द स्टेशनरी बस बिगन्स टू मूव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिचुएशन. कोई वस्तु बस है वो पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल. कोई बस अचानक से चलती है तो वो क्या होगा, पैसेंजर उसके पीछे की तरफ धक्का लगता है. वो किसका रूल है, तो है जड़त्व का नियम. ऑब्वियसली जड़त्व का नियम, क्योंकि वो स्थिर रहना चाहता है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको 9800 जूल ऑफ एनर्जी वाज स्पेंड टू राइज ए मास ऑफ इतना हाइट बताना है. तो देखो एनर्जी वाला ले लो, पोटेंशियल वाला ले लो MgS से. एनर्जी दे रखो है आपको 9800 इक्वल टू मास दे रखा है आपको 80 इंटू जी दे रखा है आपको, जी 10 ले लो इंटू एच हो गया आपका, हाइट पूछिए आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0020 कैंसिल 98/8 यानी 8 × 8 बचे 18, 8 × 16 12 पॉइंट, यानी ये अपना आंसर आना चाहिए. व्हाट इज द वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू पूछिए आपको. इन्हें साउंड वेव बहुत फ्रीक्वेंसी एफ दे दी आपको, स्पीड दे दी आपको, तो सिंपल है वही फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ वाला आंसर आ जाएगा उससे आपका. पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ए बॉडी हैज ए वेट डब्ल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ है उसके ऊपर उसका जो वेट है डब्ल्यू है. व्हाट इज द वेट ऑन ए प्लैनेट व्हिच मास इज 15 times दैट ऑफ, यहाँ पे अगर मास m है, यहाँ पे मास हो गया 15 m, और यहाँ पे अगर रेडियस r है तो यहाँ पे रेडियस होगी 4 times यानी 4 r. ठीक है, अब देखो यहाँ पे g निकालो आप, जी बराबर हो गया m/r² से, m हो गया आपका 15/r² करोगे तो 16, 15/16 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 15/16, 16/15 नहीं 15/16 हो जाएगा. वेट पूछा तो वेट भी हो गया आपका mg से दिया जाता है वेट, 15/16 आएगा इसका आंसर. यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी. देखो संवेग मोमेंटम यानी पी बराबर एम वी, आप इसको 3 गुना कर रहे हो यानी ऑब्वियसली मास तो फिक्स होता है, वेलोसिटी आपकी होगी 3 गुना. वेलोसिटी 3 गुना होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² से. वेलोसिटी 3 गुना हो गई यानी 3 का² यानी 9 गुना आपका आंसर आ जाएगा. यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की तरंग ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो लेमडा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वी बराबर लेमडा इंटू एफ हो गया. ये कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव गिवन वेलोसिटी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे ये कॉन्स्टेंट है तो लेमड़ा आपका क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, यही आंसर है. वेवलेंथ विल बी डिक्रीज. ए हाई जंप रन्स फॉर ए वाइल बिफोर टेकिंग ए हाई जंप सो दैट द इनर्शिया ऑफ हेल्प्स हिम टेक द लॉन्ग जंप. एक ऊंची छलांग लगाने के लिए व्यक्ति कुछ मतलब कोई भी व्यक्ति को लॉन्ग जंप करना है तो वो पीछे से दौड़ता हुआ आता है. क्यों आता है, ताकि उसकी गति उसको हेल्प करें. हम स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, देखो कंप्रेस स्प्रिंग है, रनिंग वाटर नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी का है. बहते हुए जल के अंदर कौन सी होती है, गति करते हुए जल के अंदर होती है काइनेटिक. ब्राउनी गति की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने. ब्राउनी गति किसको बोलते हैं, जो कणों की टेडी मेडी गति होती है ना टकराने के बाद जो टेडी मेडी गति, उसको कहते हैं अपन ब्राउनी गति. ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार होता है वी बराबर IR. ये स्टेटमेंट इसके अंदर मैच कर लो कहाँ क्या होता है, वही अपना आंसर हो जाएगा. करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, ये अपना है. जब कई प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है. तो देखो वेन एज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड, अपने को बहुत सारे रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट करें ताकि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए. कम होने का मतलब है ऑब्वियसली वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, सीरीज में तो ऑब्वियसली जाते हो जाएगा. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ए सैटेलाइट मूव इन एन ऑर्बिट रेडियस ऑफ इतना. अगर 4000 किलोमीटर की रेडियस में कोई ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो वो बार बार एक ही जगह आएगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन 0 तो कार्य 0. तो ये अपना हो गया फिजिक्स कंप्लीट. आपको कैसा लगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे. केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी मैं एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.